नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो इंडियन कोस्ट गार्ड के एक फॉर्म आया हुआ है यांत्रिकी 2 2018 उसके बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, यहाँ पर ये लेटेस्ट जॉब्स कैटेगरी में है इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक 2 2018 बैच ऑनलाइन फॉर्म 2018। तो आइए देखते हैं इसके एलिजिबिलिटीज़ वगैरह, वैकेंसी डिटेल्स क्या हैं। तो ये फॉर्म देखिए 12 से 19 तारीख तक भरा जाएगा, ज़रूर इसको भर दें। बहुत ही कम ड्यूरेशन होता है कोस्ट गार्ड के फॉर्मों का। एडमिट कार्ड ही ऐसे आते हैं 7 दिन 8 दिन के लिए, अगर उसमें आप अपना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पाते तो फिर उसके बाद फिर आपका वो अटेम्प्ट बेकार हो गया, आप फिर एग्ज़ाम में शामिल नहीं हो सकते। तो इंडियन कोस्ट गार्ड आर रिसेंटली इन्वाइटेड टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ यांत्रिक 2 2018 बैच एग्जामिनेशन 2018। दोज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड टू फॉलोइंग वैकेंसी एंड हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैन रीड द फुल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई। तो जो इंपॉर्टेंट डेट है, जो आपको सबसे महत्वपूर्ण है, कि आज ही आप अपना फॉर्म भर दें, मतलब आज ही नहीं, मतलब जब से ये शुरू हो रहा है 12 तारीख से ही, क्योंकि लास्ट के दिनों में सर्वर का प्रॉब्लम हो जाता है, साइटें वगैरह सही से खुलती नहीं है। तो इससे बचने के लिए आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि 15 तारीख तक अपना फॉर्म भर दें। कोई आपको पेमेंट वगैरह नहीं करना है, सिर्फ आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, सब एकदम सही भरें। बहुत सारे लोग, मैंने जो पिछले वीडियोज़ बनाए हैं इस पर कमेंट करते हैं कि उन्होंने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी, सर्टिफिकेट नंबर गलत लिख दिया, परसेंटेज गलत निकल दी गया। तो इस सब का बहुत ही ध्यान रखें, और इसके लिए कोई फीस आपको नहीं देनी है, एकदम फ्री है। एलिजिबिलिटी डिटेल्स में देखा जाए तो एज लिमिट जो है वो 18 से 22 साल है। डेट भी दिया हुआ है कि जो 1 अगस्त 1996 से लेकर 31 जुलाई 2000 के बीच में पैदा हुआ है, डेट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं उसमें, वो ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। 10+2 होना चाहिए इंटरमीडिएट, और डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए पॉलिटेक्निक की जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, रेडियो या पावर इंजीनियरिंग में, और 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है यहाँ पर, हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए, और 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में पूरी आपको करना है। तो अगर आप दौड़ते उड़ते नहीं हैं तो अभी से इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। 20 स्क्वाट एंड पुशअप्स भी आपको जो है करने हैं, इसे उठक बैठक कहते हैं हिंदी में, और 10 पुशअप्स। अप्लाई ऑनलाइन हमारे वेबसाइट पे दिया हुआ है, वेबसाइट पे हम अभी लिंक दे देते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहाँ से डायरेक्ट जाके अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं, अपना समय वेस्ट किए बिना। अगर आप चाहें तो पूरा नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है। बस दोस्तों ध्यान रखिएगा कि समय से आपको फॉर्म भरना है, सारी इन्फॉर्मेशन सही भरनी है, और एडमिट कार्ड भी समय से डाउनलोड कर लेना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एग्ज़ाम के समय ओरिजिनल ले जाने पड़ेंगे, जैसे डिग्री वगैरह अगर अभी ना मिली हो तो उसे निकलवा लें। अगर इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर एक का जवाब दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। और हमने 2 वीडियोस पहले बनाए थे पिछले बार जब कोस्ट यांत्रिक का पेपर हुआ था, कि उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, वहाँ जाके आपको क्या क्या करना पड़ता है, किस प्रकार का टेस्ट होता है, और साथ में जो मैकेनिकल ब्रांच की जो एग्ज़ाम होती है उसका पेपर में सिलेबस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये दो आपको जो है लिंक वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा स्क्रीन पर भी, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करिए कमेंट में, कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा, और भविष्य में और भी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे ये जो भी इस फॉर्म को मतलब कि भरने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है, इससे अच्छी जॉब कोई हो नहीं सकती। तो इस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, भारत माता की जय।